नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और ललन टॉप की टीम रायपुर आई है। रायपुर में आपने अगर सोशल मीडिया या टीवी में इन दिनों देख रहे होंगे तो खबरों में एक बागेश्वर के बाबा जी बताए जा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम है उनका। वो बड़े चर्चा में हैं और उनके पास लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सुबह हम आए तो देखा यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। और ऐसा वो राम कथा कहते हैं, रामचरित मानस का पाठ करते हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें कुछ चमत्कारी चमत्कार भी होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। होते हैं, हम देखे हैं, होते हैं। अच्छा, हाँ होते हैं चमत्कार। क्या नाम है आपका? मनीता। मनीता कहाँ से आई हैं? हम थान खमरिया मोभट्टा से। कहाँ से? थान खमरिया मोभट्टा, उड़ीसा में। मोभट्टा से आई। उड़ीसा में है? नहीं नहीं नहीं, ये छत्तीसगढ़, ये कवर्धा साइड है। कवर्धा साइड, कवर्धा जिला। हाँ हाँ। तो आपने कैसे सुना इनके बारे में? मैं मोबाइल से देखी थी। मोबाइल से? हाँ। तो कब आपको पता चला? मतलब नहीं, मेरे को 6 महीने हो गए देखती रहती हूँ मोबाइल से। अच्छा। तो मेरे को देखने में भी विश्वास हो गया है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ क्यों आई थी? अपने बाबू को दिखाने के लिए। बच्चे को? हाँ। क्या हुआ है बच्चे को? बोलता नहीं है। कितनी उम्र है? ये 10 साल होने वाला है इसको। 10 साल? हाँ। अच्छा, 10 साल उम्र होने वाली। और तो डॉक्टर को आपने दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया है, मेडिसिन भी चल रहा है इसका। क्या नाम है इनका? आर्यन सिंह राजपूत। आर्यन? तो आर्यन की तबीयत कब से ऐसी है? ये 6 साल का हुआ तब से बोलना बंद कर दिया, बाकी सब नॉर्मल था पहले, और जैसे 6 साल का कंप्लीट हुआ फिर बात करना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, और जैसे लेटरिंग बाथरूम भी नहीं बताता है। हाँ। तो आपको मतलब डॉक्टर को सजेस्ट किया? हाँ, दिखाई हूँ, डॉक्टर तो लाइलाज बताते हैं, लाइलाज बीमारी है। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है करके बोलते हैं। तो बचपन से नहीं था? बाद में 6 साल हुआ उसके बाद इसका शुरू हो गया है। अच्छा। तो डॉक्टर बोलते हैं लाइलाज बीमारी है इसको। अच्छा। और होम्योपैथी में नस का प्रॉब्लम है बोलते हैं, तो होम्योपैथी इलाज भी चल रहा है और हमको विश्वास है बागेश्वर धाम पे, तो इसीलिए यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है वो ठीक कर देंगे? कर देंगे ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। ऐसा कैसे, मतलब जब डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे? नहीं, भगवान के ऊपर भी तो उसी से तो चल रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमको विश्वास है। अच्छा। हाँ, तो ये दिलचस्प है कि लोग कथा सुनने आते हैं। हाँ। और कुछ जो सुबह मैं देख रहा हूँ। हाँ, हाँ, बीमारियों के इलाज के लिए है। हाँ, होती ही है। तो उनका इलाज बाबा करते हैं ऐसा आप? हाँ, 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 करते हैं। आप भी बच्चे को लेकर आई हैं? हाँ, भी बच्चे को लेकर आए हैं। क्या बच्चे का क्या नाम है इसका? ये यचना उजीर है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? तोर्रा उड़ीसा से। उड़ीसा से यहाँ रायपुर आई हैं? हाँ, उड़ीसा से। मैं इसका पिता हूँ। अच्छा, ये हम इसका इलाज करवाते कराते 7.5 लाख खर्चा कर चुके हैं, अभी तक ठीक नहीं कर पाया। अशोक भट्टर से इलाज हुआ है रायपुर से, प्राय प्राय रायपुर का हर हॉस्पिटल में चक्कर काटा हूँ, ठीक नहीं हुआ है। चलो, बाबा बागेश्वर धाम का महिमा अपरंपार है बोल के दर्शन के लिए ही आए हैं और 2 साल से वीडियो देख रहे हैं। आज तक बहुत जगह चमत्कार द्वारा से बहुत बढ़िया बागेश्वर धाम श्री बजरंगबली महाराज की ओर से बहुत बढ़िया आज तक सभी जगह हुआ है, और कितनों तो इसका उपाय करके भी ठीक हुए हैं कि भगवान को मानते हुए ठीक हुए। बच्चे को कब से ये प्रॉब्लम है? बच्चे को 7 साल हो गया है। 7 साल? 7 साल हो गया है बच्चे। पैदाइशी ऐसी दिक्कत है या बात? पैदाइशी दिक्कत नहीं हुआ था ये। क्या बीमारी है इनको? इसको एक्चुअल में इसको आया था पीलिया। अच्छा। हमारी तरफ पीलिया को क्या बोलते हैं मामा? जॉइंटिस। जॉइंटिस, जॉइंटिस हुआ, ऐसी रूम में गया, कुछ डॉक्टर के कमी कारण ये कारण हुआ। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने और डॉक्टरों को दिखाया? बहुत सारा, बहुत सारा। 7.5 लाख खर्चा किया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक आया था लड़का, आया था एक लड़की है। लड़की है, तो ये लड़की जो है बीमार है, तो आपको ऐसा लगता है कि बाबा जी ठीक कर देंगे? बाबा जी ठीक करे नहीं करे, अपने को भगवान के ऊपर विश्वास आस्था है, आस्था के हिसाब से आए हैं, और बागेश्वर वाले बाबा का भी विश्वास है, ठीक करे या ना करे वो ऊपर वाला की दया है। हमारे बागेश्वर वाले बाबा का धाम का दर्शन भी वहाँ गए? बागेश्वर धाम गए कभी? बागेश्वर नहीं गए, रायपुर में पास में आए हैं तो आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? भगवान के ऊपर आस्था रखें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आस्था तो हर किसी को होती है, हमारी भी आस्था। आस्था से ही आए हैं और बागेश्वर वाले बाबा का बहुत जगह देखे हैं,
ठीक भी हुए हैं, बच्चा चलते हुए भी देखे हैं। अच्छा। हाँ, चलते हुए भी बहुत जगह ठीक हुआ है देखे हैं। ऐसा पहले कभी हुआ है इनके यहाँ? बहुत जगह हुआ है भाई। बागेश्वर वाले बाबा का भगवान पर विश्वास रखो, विश्वास में ही तो चमत्कार है। आप भी बात कर रहे हैं हमारे साथ, विश्वास है तभी तो मेरे साथ बात कर रहे हो सर, है कि नहीं? भगवान प्रति विश्वास है, आप भी मेरे को पूछ रहे हो। हम लोग तो इसीलिए आए कि भाई जैसे अभी बागेश्वर वाले बाबा का आप देखेंगे तो जो प्रसिद्धि हुई पिछले 2-4 साल में लोग ज्यादा जानने लग गए। पहले लोग आसपास के लोग जानते थे, फिर धीरे धीरे उनको जानने लग गए। तो हमारे लिए भी बड़ा कौतूहल का विषय हुआ कि भाई इतने जल्दी 26 साल की उम्र है, कम एज में इतनी ज्यादा कैसे किसी को पॉपुलरिटी हो रही है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, आस्था आ रही है। तो ये हमारे लिए जिज्ञासा है। अपने को भी विश्वास से बोल के आए हैं और देखे भी हैं, यूट्यूब में 2 साल हो गया देख रहे हैं और टीवी में भी देख रहे हैं। क्या आप आज आप दिन भर यही है? हाँ, सुबह से। आपका क्या नाम है? अनीता निर्मलकर। तो आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ, इनके साथ। सब लोग फैमिली? हाँ, सब लोग फैमिली। अच्छा, तो आज आप दिन भर आप थी तो क्या देखा? अब जो भागवत चला, दिव्य दरबार चला, सब देखी मैं, सुबह से आई हूँ। क्या होता है दिव्य दरबार में? दिव्य दरबार में जो अपना अर्जी लगाते हैं बाबा, जिनको बुलाते हैं जैसे गुरुदेव, अर्जी लगाते हैं। कैसे अर्जी लगाते हैं? मतलब वो बुलाते हैं जिनको, मतलब बुलाना चाहते हैं जिनको। कुछ पहले से तय रहता है या फिर ऐसे रैंडमली? नहीं, अपने मतलब ये से बुलाते हैं, बागेश्वर के मतलब ये से बुलाते हैं वो बाबा। भीड़ में किसी को बुला लेते हैं? हाँ, किसी को भी बुला लेते हैं, किसी को भी पूछ लीजिए ना, किसी को भी बुला लेते हैं वो। हाँ हाँ, वो जो जैसे वो कोई ड्रेस पहने हैं उसके नाम से बुला लेते हैं कि व्हाइट ड्रेस पहना है। बाबा जी को आभास हो जाता है वो कहाँ पे बैठे हैं, कौन है, रैंडम पर्सन होता है, हो सकता है एलईडी स्क्रीन के पीछे हो सकता है वहाँ गेट पे हो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो रोड पे भी खड़ा हो सकता है। वो सीधा एक ही चीज बोलेंगे, उनको आभास में नाम पता चल जाता है, वो नाम बताएंगे। क्या नाम है आपका? जय यश कुकरेजा। आप कहाँ से? जय रायपुर। आप ये कह रहे हैं कि उतनी दूर जो मंच है वो वहाँ बैठते हैं और उसके बाद हम तो आधे हिस्से में खड़े हैं, ये बहुत दूर तक है, आगे तक वहाँ वहाँ तक के लोग आए हैं। बीच में बाबा जी के जो है वहाँ के बागेश्वर धाम के कुछ सेवादारी होते हैं, वो पूरी आप बीच की जो रेलिंग देख रहे हैं इनमें से वो खड़े रहते हैं। हाँ। और उसके बाद बाबा जी वहाँ से अपना आदेश बताते हैं, जिसकी अर्जी स्वीकार होती है उसका नाम लेते हैं। नाम लेने के बाद ये भी बताते हैं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से डोम के अच्छा बैठा हुआ है और कौन से रंग के कपड़े पहना हुआ है। इतना उसके शरीर में अगर कोई टैटू भी बना होगा, तिल भी बना होगा, तो उससे ही बता देते हैं। क्योंकि रैंडमली क्या हो जाता है कि जैसे मान के चलिए एलईडी स्क्रीन है, अब कम से कम नहीं तो नहीं आज 5.5 लाख लोग आए, 5.5 लाख में जैसे नाम ले लिए शुभम, तो 5.5 में कम से कम 2-3 तो शुभम होंगे ही, 5.5 लाख लोग में तो 2 लोग आ गए, तो फिर उसको कैसे करेंगे? तो बाकायदा बता भी देते हैं कि आपके हाथ में त्रिशूल बना हुआ है, इतना तक उनको आभास रहता है। क्या करते हैं जय आप? जी मैं तो एग्रोनॉमिस्ट हूँ। क्या है? एग्रोनॉमिस्ट हूँ मैं। क्या होता है थोड़ा इसको बताइए, किसानी से जुड़ा है? हाँ, किसानी से जुड़ा है। अच्छा जी, तो आपको जैसे ये आप कह रहे हो कि किसी को कहीं से बुला देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर के जो नहीं जानते वो जो शहर मतलब कोई दूर है तो वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले से फिक्स रहता हो और बाबा जी जो है बुला देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जो है बाबा जी ने जो है मीडिया को चुनौती दी थी, कल भी चुनौती दी थी, आज भी चुनौती दी, जो भी बाबा जी के ऊपर जैसे महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नागरिक ने जो है बोला कि ये सब जो है झूठ है, तो बाबा जी ने उनको चुनौती भी दी, यहाँ के दिव्य दरबार में बुलाया भी, वो यहाँ पे आए नहीं, तो मीडिया के सामने उन्होंने प्रूव किया खुद परीक्षा देकर कि किस टाइप से उनके अंदर की जो दिव्य शक्तियां हैं कैसे वो कार्य करते हैं और कैसे वो जन का कल्याण करते हैं। दिव्य शक्तियां हो सकती हैं? दिव्य शक्ति बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए मेरा जो ननिहाल है, यानी मेरी माता जी का जो घर है, मायका है, वो छतरपुर से है, गढ़ा से, जहाँ पे बागेश्वर धाम है, हम बचपन से वहाँ से जुड़े हुए हैं, हम देखते आ रहे हैं और दिव्य शक्ति वाकई में। अच्छा, आप बचपन से जुड़े हैं तो इनको आप बहुत पहले से जान रहे होंगे? नहीं, मतलब ये मान के चलो कि जुड़ना तो हमारा बचपन से ही है, हमारे नानी घर वाले जो बागेश्वर धाम के जो पहले की पीढ़ी है उनको भी जानते हैं अच्छे से, सबको जानते हैं, सबके पास वो माथा टेकते थे, पहले से दिव्य शक्ति चलते आ रही है। बाकी जो है जैसे जैसे अब जन कल्याण के लिए वो आगे पढ़ते गए तो प्रभावित होते गए। जैसे आप लोग इतने सारे लोग यहाँ खड़े हो, आप में से आज किसी की अर्जी लगी थी, जैसे जो कहते हैं जो प्रोसीजर है कि अर्जी? नहीं, वो अर्जी का ऐसा है ना कि किसकी लगेगी ऐसे कोई कंफर्म नहीं है, ना उसका कोई टोकन कटता है, ना कोई बात होती है, ना कोई वॉलंटियर के पास जाके नाम लिखाना पड़ता है, वो रैंडमली होता है। ठीक बात कह रहे,
वो बताया भैया क्या बोलते हैं जो पत्रकार थे ना, न्यूज के पत्रकार थे, उनके बारे में भी तो पूरा बता दिए कि आपके दादा का क्या नाम है, आपके चाचा का नाम क्या है, आपके भाई का क्या नाम है, आपका कल बता दिए पूरा एबीपी न्यूज वाले का। मैं तो व्यक्तिगत नाम तो नहीं जानता है कि आदमी फेसबुक पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद अपना होके दो आदमी कहीं भी लाओ, दो आदमी उठा के लाओ और उसको पूरा बायोडाटा लिखूंगा करके। मीडिया वाले जो कल जो हुआ था एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस रखे थे बाबा जी ने, जो है मीडिया के सामने पे जो है चुनौती रखी थी कि आप जाओ रैंडमली किसी को भी लेके आ सकते हो, वो जिसको लेके आएंगे पर्चा उसका बनेगा पहला। दूसरा बाबा जी ने पहले ही पहले से लिख लेते हैं, नहीं दो चला, पहले जिसको बुला के लाएंगे उसका पर्चा बनाएंगे, उसके बाद शक्ति का और प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने पहले ही पर्चा बना दिया, उसके बाद एबीपी न्यूज है व्हाटएवर, मेरे को नाम एकदम क्लियर पता नहीं है, उनको बोले आप जिसको भी लेके आओगे पर्चा उसका निकलेगा। उन्होंने जिसको लेके जो लेडी गई वो लड़की वो हाँ जिसको भी लेके गए और पर्चा उसी का निकला। आज एबीपी वाले भी गए थे कि आप जिसको उठा के लाएंगे उसी का ही पर्चा निकलेगा, और एग्जैक्ट महाराज जी ने दो पर्चे बनाए थे, एक दो नंबर का और एक तीन नंबर का। तो उसको बोले न्यूज वाले क्योंकि आप कौन सा पर्चा चुनना चाहते हो, दो नंबर वाला या तीन नंबर वाला, तो उन्होंने कहा कि दो नंबर आप पहले से बना के रखे हो, हमको तीन नंबर वाला पर्चा का चुनाव करना है। तो एग्जैक्ट वही हुआ जो महिला लिख के आई थी, मतलब महिला जो सोच के रखी थी वही तीसरे नंबर के पर्चे में निकला। ये एक दिव्य शक्ति के ही माध्यम से हो सकता है। नहीं दिव्य महाराज को कैसे मालूम कि आप किस व्यक्ति को उठा के लाना चाहते हो, किसको लाओगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार गुप्ता है। क्या करते हैं लोकेश सर? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हैं? आप लोग भी यही आए थे? आपका क्या नाम भाई साहब? राजकुमार साहू। क्या करते हैं राजकुमार? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? पीजीडीएम। पीजीडीएम जी। किस सब्जेक्ट से? अभी सर फर्स्ट सेम है तो सब्जेक्ट अभी चॉइस नहीं है। और ट्वेल्थ किस में किया? PCM। साइंस से? तो आपने साइंस पढ़ी है? जी। तो साइंस तो आपने पढ़ी है? हाँ। तो साइंस पढ़ी तो इसको मानते हैं आप? देखो मानने वाली भी बात क्या, जैसे भगवान पे आस्था रखते हैं ये वही जानना चाहते हैं। हाँ आस्था रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं रख रहे जो नास्तिक है उसके लिए तो नहीं। जैसे नास्तिक में हम भी भाई आस्था रखते हैं, आप भी आस्था रखते हो, हर आदमी आस्था। जो लोग सवाल उठाते हैं, जो अभी लोग पूछ रहे हैं, जो नागपुर वाले जो पूछ रहे थे कि रामकथा पे और उस सब पे सवाल नहीं है, वो जिसे कहते हैं कि वो भूत आ रहे हैं, ये हो रहा है, जो आप देख रहे थे महिलाएं कांपने लगती हैं और बाल बाल करके, लोग उसको कहते हैं कि ये जो है ये अंधविश्वास है, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? तो हम लोग ये मतलब देखे तो हम लोगों को भी अचंभव लगा कि जो अपना तंत्र मंत्र जो चालू किए फूंक झाड़ करना, तो उससे ना महिलाएं अपना झुकना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना झुकना उकना, वो चालू कर दिए थे। लोग ऐसे आए थे, आज हुआ भी है, आज लोग ऐसे भी आए हैं जैसे एक साथ चार चार पांच पांच लोग लाइन से चलते भी गए, दौड़ते हुए खींचे चले जाते हैं। हाँ, अपने आप ऐसा ये लोग सही क्या रहेगा? ऐसा मैं तो उस टाइम नहीं थी, मैं तो कथा सुनने आई थी और सर का कथा मतलब बागेश्वर सरकार का कथा सुना है मैंने। बहुत अच्छे मतलब बहुत आस्था है उनपे, बहुत विश्वास करते हैं हम बागेश्वर धाम को, जो सिद्धि प्राप्त है आज तक। मैं नहीं बोल सकती कि किसी भी संत को इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त है जितनी बड़ी सिद्धि बागेश्वर धाम को प्राप्त है। और एक आस्था बागेश्वर धाम तो वो हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी तो हर जगह पूजे जाते हैं, हमारे आपके घरों में पूजे जाते हैं, जिसकी जो जिस धर्म में आस्था है वो उसकी पूजा करता है। तो आप ये जो बाबा हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो जिनको बताते हैं आप लोग कह रहे हैं सिद्धि प्राप्त है, उनको आप लोग कब से जानते हैं? सर हम तो काफी टाइम से जानते थे कि जब से सोशल मीडिया से जुड़े, जब से अभी ये हुआ रिसेंटली कि मैं तो बोलूंगी कि सनातन वापसी, अभी हिंदू जैसे जागे हैं ना, जैसे जागरूक हुए हैं रामलला जी के आने से जागरूक हुए हैं, रामलला जी के मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है, वैसे वैसे हिंदू में आस्था बननी स्टार्ट हुई है मैं मानूंगी। तो जब से हमने सोशल मीडिया चालू किया है सर, तब से हम बागेश्वर धाम जी को जान रहे हैं। मुझे साल भर से ज्यादा हो गया, मैं बागेश्वर धाम की ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि प्रॉपर कथा सुनती हूँ उनकी, छोटे छोटे जो आप नाम ले रही तो आप यहाँ क्यों भराई? हाँ सर भक्त हूँ मैं उनकी, बागेश्वर धाम की मैं भक्त हूँ। मैं अभी मेरा कॉलेज चल रहा है सर, मैं छोड़ के आ रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टडी छोड़ के आ रही हूँ, मैं पंडाल में रुक रही हूँ, बागेश्वर धाम की इतनी बड़ी भक्त हूँ सर, कैसे आग नहीं भरेगी मैं उनके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा एंजल चौबे नाम है। एंजल आपको क्या पढ़ाई करती है? सर मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड है अभी मेरा लॉ ग्रेजुएशन प्लस लॉ। आप लॉ पढ़ रही हैं? तो बहुत सारे लोग जो नागपुर के एक हैं श्याम जी, उन्होंने कहा कि आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि ये लॉ तोड़ रहे हैं बाबा जी, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, आपने सुना उनके बारे में?
देखिए सर, मैंने उनका बयान नहीं सुना, छोटी छोटी मैंने जो क्लिप देखी है बस उतना ही जानती हूँ। और ये बोलते हैं, ये सीधा सीधा ये शब्द है कि सर हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू सब जागरूकता मतलब अभियान चल रहा है, हिंदू सब जाग रहे हैं अपनी आस्था से आ रहे, कोई किसी यहाँ पे जितने आए हैं बाबा ने तो नहीं बुलाया, सब अपने से आए हैं। सर मैं भी अपने से आई हूँ, अपने आस्था भक्ति से आई हूँ बागेश्वर। मैं तो ये भी, घर वाले भी आते हैं? हाँ सर, मेरी मम्मी भी आई हुई है, इनफैक्ट मेरे छोटा भाई है उसको भी लाने वाले थे, लेकिन ये था कि भीड़ भाड़ है तो तुम कहाँ ऐसा वैसा, हम लोग क्या कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। और भाई के लिए सब लोग, ये सब लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? सब बाहर से हैं, उधर बालाघाट जिला। बालाघाट से आए, एमपी से? आप कहाँ से आए हैं चाचा? सारंगढ़ जिला। कहाँ से? सारंगढ़ जिला। सारंगढ़ से। आप कहाँ से? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से। 7 दिन पहले यूट्यूब में देखा था इसको। 7 दिन पहले? 7 दिन पहले, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। हाँ। मैं अपना दुकान पानी सब बंद करके आ गया हूँ। किस चीज दुकान है भाई साहब आपकी? सर छोटा सा दुकान है, मोमोज स्प्रिंग रोल फास्ट फूड का। हाँ। बस उसमें अपना दाल रोटी सब कुछ चलता है बाबा जी की कृपा से। मेरे को मालूम नहीं था कि भाई यूट्यूब में 7 दिन पहले ऐसा देखने से ऐसा चमत्कार हो जाएगा करके। क्या चमत्कार हुआ भाई? अब ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 7 दिन पहले ही मैं इससे जुड़ा हूँ। हाँ। खींचा चलाया उसके पास, बाकी मेरी पत्नी है वो वहाँ पे बैठी हुई है। हाँ। वो ठाकुर जी के भक्त हैं। अच्छा। और मैं भी ठाकुर जी को मानता था। यूट्यूब में ऐसे देखते देखते 7 दिन पहले ही मेरे को बहुत अच्छा लगा और यहाँ आ गया। सर यहाँ आ गए, जांजगीर चांपा से रायपुर चले? रायपुर चला है, जीवन में कभी नहीं आया था यहाँ पे, पहली बार आया हूँ। माया है प्रभु का, जितने लोग हैं उतनी कहानियां हैं दिलचस्प है। क्या बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे आज एक लेडीज आई है जो मुस्लिम थी, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने के लिए आई थी, तो बाबा जी बोले कल आपका नामांतरण होगा करके। तो ये ऐसे घर वापसी या कहते हैं दूसरे धर्म से लोगों को बुला लेते हैं अपने धर्म? बुलाते नहीं है वो, तो बाबा जी उसको क्वेश्चन भी किए। अच्छा। अपने स्वेच्छा से आए हैं, उनके ऊपर ना को अपने मर्जी से वो कहती है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म कैसा। भी महिलाएं और यहाँ पर परिवार, पूरे परिवार आई थी उड़ीसा से, मतलब उनकी दबाव के बिना किसी कुछ अपने मर्जी से अपने स्वेच्छा से वो अपना जो पुराना धर्म था उन्होंने त्याग दिया और हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया केवल प्रभाव से ही बाबा जी के। बाकी इनसे, इनको देख करके या फिर इनकी बातें सुन के, कथा सुन। आपका क्या नाम भाई साहब? सौरभ पांडे, यूपी से, अयोध्या से हूँ। अयोध्या से आप यहाँ आए हो? अच्छा जी। बोलो बागेश्वर धाम बाकी जय, बाबा की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, जय जय श्री राम। तो आप देख रहेंगे हमको यहाँ पे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सब हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, सब राज्यों से लोग आ रहे हैं। और कोई एक हफ्ते पहले जुड़ा है, कोई 6 महीने पहले जुड़ा है, और सब ऐसे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिए अभी ये पंडाल अब खाली हो गया क्योंकि सुबह कथा होती है, कल भर यानी 22 जनवरी तक और कथा है, तो उससे इतने सारे लोग आए हुए हैं। अब दिलचस्प ये है, ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसे बाबा नहीं हुए या चमत्कार की बातें नहीं हुई, पहले भी बहुत सारे बाबा हुए हैं जो इस तरह के चमत्कार की बातें करते रहे हैं, और कई सारे लोगों को सिद्ध पुरुष माना भी गया है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध पुरुष भी नहीं माना गया, ऐसे बहुत सारे लोग जो दर्शन के बड़े ज्ञाता हुए, जो धर्म के विस्तार के बड़े प्रणेता हुए। तो एक हिंदू धर्म में या फिर जो हिंदुस्तान का इतिहास है ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। अब ये एक नया नाम जो चमत्कारिक तौर पे लोगों के जहन में आ गया है, आप YouTube खोलिए तो बागेश्वर बाबा, Instagram खोलिए, Twitter खोलिए, TV चलाइए या फिर कहीं पे भी, तो इनके नाम की चर्चा है। समर्थक कहते हैं कि बाबा जी के पास दिव्य शक्तियां हैं, विरोधी कहते हैं कि बाबा जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, और जो बातें थी हमने आपको लोगों से सुनाई। तो ये यहाँ का सच है, इनके हिस्से का सच हमने आपके सामने रखा, और हम कोशिश करेंगे कि बागेश्वर, जो बागेश्वर धाम है उसके जो बाबा कहे जाते हैं, जो गुरु कहे जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कैमरे के पीछे रूहानी।